नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 18 फरवरी। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने निकाली रिक्तियां। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल के कुल मिलाकर 2000 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास भारतीय सेना के सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.cisf.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब 400 शहरी पार्क होंगे वन विभाग को हस्तांतरित। तमाम शहरी निकायों में मौजूद पार्कों के हस्तांतरण का काम जल्द ही शुरू किया जाना है। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही नगर विकास और आवास विभाग सभी निकायों से पार्क का ब्यौरा एकत्रित करने वाला है, जिसके बाद लगभग 400 पार्क को जल्द ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। आपको बता दें, राज्य के तमाम शहरी निकायों में स्थित पार्कों की स्थिति अच्छी नहीं है। उनका रखरखाव ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। निकायों के पास स्टाफ की भी कमी है और बागवानी आदि की विशेष नहीं है। सर्विस लेन बंद करने के बाद राजद ने उठाई मांग। सर्विस लेन का मामला लगातार उग्र होता जा रहा है, जिसके तहत हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से राजद कार्यालय के बाहर खुदवाए जा रहे जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, जिसके तहत पटना वीरचंद पटेल मार्ग स्थित राजद कार्यालय के पास बने अप्रोच रोड बंद किए जाने को लेकर उपजे विवाद पर खुद पटना डीएम ने प्रदेश कार्यालय का दौरा किया, जहां राजद नेताओं ने जिला प्रशासन से मांग की है कि अगर राजद का अप्रोच रोड बंद किया जाता है तो भाजपा और जदयू कार्यालय का रास्ता भी बंद किया जाए, जिसके बाद डीएम ने इस मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया है। अब नो हॉर्न स्टिकर लगाना हुआ अनिवार्य। बिहारवासी सड़कों पर हर दिन हो रही ध्वनि प्रदूषण से परेशान नजर आते हैं। गाड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों के हॉर्न पर भी अक्सर हाथ रखकर सड़क पर गाड़ी चलाने का काम करते हैं। परिवहन विभाग ने ध्वनि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ही सरकारी और निजी वाहनों पर नो हॉर्न का स्टिकर लगाना अब अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही शोरूम से निकलने वाली गाड़ियों पर यह स्टिकर लगाकर ही बेचने का भी आदेश जारी किया गया है, जिसकी शुरुआत फिलहाल बिहार के 4 जिलों में होने वाली है। इसको लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद सभी जिलों को भी गाइडलाइन मुहैया करवा दी जाएगी। स्टिकर के लग जाने से वाहन चालकों को यह एहसास होगा कि अब कहीं भी बिना बात के हॉर्न ना बजाए, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि मार्च महीने से इसका काम शुरू हो जाएगा। बिहार के इन दो रेल लाइनों को सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट में किया गया शामिल। पूर्व मध्य रेल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट को सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट में शामिल कर पूरा किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद लोगों को काफी सहूलियत मिलने का अंदाजा लगाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिन दो प्रोजेक्ट को क्रिटिकल प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, उसमें कटारिया कुर्सेला के बीच में पुल पर डबलिंग लाइन और हाजीपुर बछवारा के बीच डबल लाइन सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके पूरे हो जाने से 170 किलोमीटर की दूरी में आवागमन की सुविधा बढ़ने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने वाली अधिकांश ट्रेनें इस रूट से होकर गुजरती हैं। IGIMS के आइसोलेशन वार्ड में अब मरीजों को नहीं रहना होगा। राजधानी पटना के बड़े सरकारी अस्पताल IGIMS में कई तरह के बदलाव किए गए थे। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को पहले आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ता था। अब IGIMS के आइसोलेशन वार्ड को बंद कर दिया गया है। मरीजों का इलाज के लिए आने पर आइसोलेशन वार्ड में उन्हें भर्ती नहीं होना पड़ेगा। अब नई सुविधा के अनुसार OPD में जाते ही मरीजों की कोरोना जांच की जाएगी। खबरों की माने तो IGIMS प्रबंधन ने OPD में इलाज के लिए आने वाले ऐसे मरीज जिनको भर्ती की जरूरत होगी, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखने के जाए कोरोना टेस्ट के बाद रिपोर्ट के आधार पर भर्ती करने या आगे का इलाज करने के लिए एडमिट किया जाएगा। पटना विमेंस में बना पहला गर्ल्स बैंड। स्कूल लेवल पर अक्सर छात्रों का बैंड देखने को मिला है, लेकिन कॉलेज लेवल पर ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है। पटना विमेंस कॉलेज के इतिहास में हालांकि यह पहली बार होने जा रहा है कि छात्राएं भी अब बैंड का हिस्सा बन गई हैं। कॉलेज की प्राचार्य के माने तो छात्राएं की इच्छा थी कि उनका अपना कोई बैंड हो, जिसके बाद से इस बैंड को तैयार किया गया है, जिसके बाद अब जल्द ही इस बैंड को परफॉर्मिंग आर्ट्स के तौर पर शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। आने वाले स्पोर्ट्स डे पर यह ऐसा पहला बैंड होगा जो स्पोर्ट्स डे पर प्रस्तुति देने वाली है, जिनकी प्रैक्टिस शुरू करवाई जा चुकी है। कैबिनेट प्रीमियर सौमेश्री और वाइस प्रीमियर शांभवी ने इसकी जानकारी दी है। लालू यादव को किया गया नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ICU से बाहर आ गए हैं, जिसके तहत अब उन्हें ICU से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने का काम किया गया है, जिसके बाद अब लालू यादव के सेहत में सुधार की उम्मीद जागी है। वहीं खबरों की माने तो ICU से बाहर निकलने के बाद तेज प्रताप यादव भी लालू यादव से मिलने पहुंचने वाले हैं, जिसके तहत उनसे भी बातचीत होने की संभावनाएं जताई गई हैं। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच हुए वाक्या को लेकर भी बातचीत हो सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो लालू यादव का पूरा परिवार भी अब दिल्ली पहुंच चुका है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर की। जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान समस्तीपुर के एक गाँव पिंतौंझिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, वहां पर नाई जाति में हुआ था। जननायक जी के पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर तथा माता जी का नाम श्रीमती रामदुलारी देवी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कई महीने जेल में बिताए थे। वो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान दो बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। हालांकि 17 फरवरी 1988 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मैट्रिक इंटर मूल्यांकन में इस बार शिक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भी किया जाएगा प्रयोग। इंटर परीक्षा जहां एक तरफ खत्म किए जा चुके हैं, वहीं अब मैट्रिक परीक्षा की शुरुआत भी बीते दिन से हो चुकी है। वहीं अब मूल्यांकन को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत इस बार मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के निजी लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज होंगे। इसका इस्तेमाल मूल्यांकन के बाद अंकों को ऑनलाइन भरने में होगा। शिक्षकों को लैपटॉप और डेस्कटॉप मूल्यांकन केंद्र पर जमा कर देना होगा, वो खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, शिक्षकों के निजी कंप्यूटरों का इस्तेमाल उस स्थिति में किया जाएगा जब 2 GB RAM के साथ विंडोज 7, 8 या 10 की अनुपलब्धता रहेगी। बोर्ड ने सभी मूल्यांकन केंद्रों पर इसी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर उपलब्ध कराया है। DEO को कहा गया है कि ऐसा कंप्यूटर ना हो तो किराए पर लाया जाए। आज राज्यपाल फागू चौहान करेंगे पशु मेले का उद्घाटन। पशुपालकों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से एक अहम पहल की गई है, जिसके तहत किसानों की तीर्थ स्थली के रूप में विकसित पीपरा काठी में एक बार फिर किसानों और पशुपालकों का मेले का आयोजन करवाया जा रहा है। राज्यपाल फागू चौहान 18 फरवरी को कृषि अनुसंधान केंद्र पीपरा कोठी में पशुपालकों को श्वेत क्रांति की राह को आसान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्यपाल यहां लगने वाले 2 दिवसीय पशु मेला का शुभारंभ करेंगे। इस मेले में खासकर दुधारू पशुओं को प्रमुखता के साथ लाया जाएगा। किसानों को पुरस्कृत करने के साथ मेले में भाग लेने वाले 2000 पशुपालकों में लॉटरी के माध्यम से 2 का चयन कर उन्हें उन्नत किस्म की 2-2 गाय भी दी जाएंगी। बिहार में 22 फरवरी को पेश होगा बजट। बिहार में 22 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर तमाम विभागों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि बजट में किन किन विभागों पर खास नजर होगी, इस बात का जिक्र अभी नहीं किया गया है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं पहले से ही तय है। खासकर की नगर विकास विभाग की बात करें तो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत इस विभाग से जुड़ी कई योजनाओं पर सरकार का जोर रहने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि फिलहाल बिहार के नगर विकास और आवास विभाग की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नगर विकास और आवास विभाग की कई योजनाएं आती हैं। इतना ही नहीं, पेश किए जाने वाले बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत भी कई योजनाओं को लेकर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन जदयू कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, जहां पर दिल्ली सहित कई स्थानों से पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। जदयू विधानसभा चुनाव के बाद लगातार संगठन पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, संगठन को मजबूत करने के लिए 3 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बीते दिन आयोजित बैठक में चर्चा की है, जो कि 20 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। इतना ही नहीं, चुनाव परिणाम आने के बाद जदयू का कुनबा भी अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से देखे तो कई नेताओं का जदयू में शामिल होने का सिलसिला जारी है। पूर्वी चंपारण के केसरिया बौद्ध स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी के पास केसरिया में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने खुदाई के बाद साल 1998 में इस स्तूप की खोज की है। इतिहासकारों का मानना है कि यहां के क्षेत्रीय लोग इस स्तूप को राजा बेन का रजा के रूप में जानते थे, जिसे बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होने से पहले वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बनाया गया था। वेन सोंग, जो की चीनी यात्री थे, उसकी डायरी के अनुसार उसने भी स्थल का दौरा किया था। शहर में जलजमाव की समस्या को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री ने की बैठक। शहर में जलजमाव की समस्या हर साल देखने को मिलती है, वहीं इस समस्या से बिहार को निकालने की तैयारी इस बार अभी से ही शुरू हो गई है, जिसके तहत बीते दिन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने समीक्षात्मक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग मंत्री रामसूरत रॉय, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार, जिलाधिकारी प्रणव कुमार और SSP जयंत कुमार भी मौजूद रहे थे, जहां पर आने वाले समय में कैसे जलजमाव से छुटकारा पाया जाए, इस पर चर्चा की गई थी। आपको बता दें कि लगभग हर साल बरसात के मौसम में बिहारवासियों को जलजमाव का सामना करना ही पड़ता है। जीतन राम मांझी को चाहिए एक और MLC की सीट। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से एक MLC की सीट की मांग की है, जो कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के मनोनयन से भरी जाने वाली सीट उन्हें मिलनी चाहिए, जिसके बाद उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर चर्चा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी ने मुलाकात की थी।
उस बैठक में भी मांझी ने एक और मंत्री और विधान परिषद की सीट की मांग की थी। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान मांझी की एक मंत्री वाली मांग पूरी नहीं की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की कही बात। इस साल देश में जनगणना करवाया जाना है। हालांकि उससे पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश में एक बार जातिगत जनगणना होना बेहद ही जरूरी है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि देश में किन किन जाति के लोगों की संख्या कितनी है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि इसके आधार पर सरकार को अपनी नीतियां बनाने में भी सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उक्त बातें बीते दिन जदयू कार्यालय में पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी जातिगत जनगणना की वकालत की थी। इस संबंध में केंद्र सरकार से भी मांग की गई है कि इस बार जनगणना को जातिगत आधार पर करने की व्यवस्था की जाए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। जहांगीर ने सन 1614 को मेवाड़ पर कब्जा किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में आज ही के दिन की थी। मुंबई में 1946 में रॉयल इंडियन नेवी नौसेना का विद्रोह आज ही के दिन हुआ था। भारत ने 1971 में अरबी सैटेलाइट स्टेशन के जरिए ब्रिटेन के साथ पहला उपग्रह संपर्क कायम आज ही के दिन किया था। बांग्लादेश और भारत के बीच 1999 में बस सेवा पर समझौता आज ही के दिन हुआ था। महाराष्ट्र के पोल्ट्री फार्म में 2006 में भारत का पहला फ्लू आज ही के दिन दर्ज किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 2006 में थार एक्सप्रेस की शुरुआत आज ही के दिन से हुई थी। 1926 में भारतीय सिनेमा की सुंदर और प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत का जन्म आज ही के दिन हुआ था। पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद खान का 2016 में उन्होंने आज ही के दिन आखिरी सांस ली थी। बिहार में एक बार फिर बदल रहा है मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम में गर्मी भले ही देखने को मिल रही हो, मगर बादल छाने के कारण ठंड से निजात मिलने की उम्मीद अभी तक नहीं जताई जा रही है। बीते दिन के मौसम की बात करें तो राजधानी पटना समेत कई जिलों में बादल देखने को मिले थे, जिसके बाद आने वाले दिनों में मौसम की बात करें तो बिहार के मौसम में बदलाव नजर आने वाला है। शीत का प्रभाव कम होते ही तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो सूबे में उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव कम दिखने लगा है, जिस वजह से धूप में गर्मी महसूस हो रही है। हालांकि कुछ दिनों तक कई जिलों में बादल देखने के आसार भी जताए गए हैं, साथ ही कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की बात भी कही गई है। तेजस्वी ने घोटाला करने के पीछे भूत के होने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं सरकार को निशाने पर लेने का। इसी क्रम में तेजस्वी ने एक बार फिर से बिहार में हो रहे घोटालों का ब्यौरा नीतीश कुमार से मांगा है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अब तो बता दीजिए कि बिहार में कागजों पर हुए 2 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट में कितने फीसदी फर्जी टेस्ट थे। 70-80% या उससे अधिक। बिहार में सरकार द्वारा सत्यापित अब तक हुए 63 घोटालों में आपकी कोई भूमिका ही नहीं है, है ना? सब घोटाले भूतों ने किए। देश भर में पेयजल की मात्रा और क्वालिटी का होगा सर्वेक्षण। जल की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में जल निकायों की मैपिंग करने के लिए पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा। खबरों की माने तो शहरों में उचित जल वितरण तथा अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग का पता लगाने और एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से यह किया जाएगा। शुरुआत में इसे 10 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाएगा, जिसके तहत पहले कदम के रूप में मंत्रालय ने 10 शहर आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चुरू, कोची, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर में पायलट आधार पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पायलट सर्वेक्षण के निष्कर्ष के आधार पर सर्वेक्षण का विस्तार सभी अमृत शहरों में किया जाएगा। चेन्नई टेस्ट के बाद आर अश्विन ने लगाई लंबी छलांग। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिसके बाद अब यह दोनों टीम 1-1 के साथ बराबरी कर रही है। वहीं दूसरे टेस्ट मैच में आर अश्विन के प्रदर्शन के कारण ही भारतीय टीम को बड़ी मजबूती मिली थी, जिसके तहत अब अश्विन को चेन्नई टेस्ट के बाद ही इंटरनेशनल टेस्ट काउंसिल टेस्ट ऑलराउंडर्स के रैंकिंग में बड़ा फायदा मिला है। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैच की सीरीज के दूसरे टेस्ट में कुल 8 विकेट झटके और दूसरी पारी में सेंचुरी भी ठोकी। अश्विन टॉप 5 टेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जबकि कप्तान विराट कोहली बल्लेबाज में 5वें नंबर पर बने हुए हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 17 फरवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,690 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,690 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 69,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 91.67 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 85.18 रुपए प्रति लीटर था। पटना विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र भी करवा सकते हैं एडमिशन। प्रदेश के एकमात्र विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय ही है, जिसे एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी का मेंबरशिप प्राप्त है, जिसको ध्यान में रखते हुए अब विश्वविद्यालय प्रबंधन ने विश्वविद्यालय को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाने के लिए पहल की शुरुआत की है। इसको लेकर इंटरनेशनल सेल का गठन किया गया है और यह सेल काफी सक्रिय भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विश्वविद्यालय को पहचान मिले, इसको लेकर ही विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को विश्वविद्यालय के प्रति आकर्षित करने को लेकर कई प्रोग्राम तैयार किए जा रहे हैं। इस बाबत कुलपति ने बताया है कि उनका प्रयास है कि शुरुआती दौर में एक देश
से अधिकतम 2 छात्र का ही विश्वविद्यालय में नामांकन हो। उन्होंने कहा है कि आगे इस बारे में और भी कुछ निर्णय लिया जाएगा तो उसकी जानकारी दे दी जाएगी। ममता के बाद अब कांग्रेस ने भी दिया तेजस्वी को झटका। बंगाल चुनाव में राजद भी अपने उम्मीदवारों को उतारने की बात कहती आई है। हालांकि बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के साथ राजद अपना गठबंधन बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने पार्टी को कोई तरजीह ही नहीं दी, जिसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से राजद को केरल विधानसभा चुनाव से भी करारा झटका लगा है, जिसके तहत कांग्रेस ने केरल चुनाव में बिहार की एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी को साथ में लेने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि केरल में राजद के स्टेट कोऑर्डिनेटर थॉमस जोसेफ इन दिनों राजधानी पटना में ही है, जहां वो इस पूरे मामले को लेकर राजद के साथ विचार विमर्श करने वाले हैं। कल हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र कुमार, दिलीप कुमार, बबीता सिंह, मृत्युंजय कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, मनीष कुमार, फिरोज खान, शंकर मुखिया, अफजल हुसैन अंसारी, आयुष मीच, आतिक खान, सनी कुमार, असलम राज, मोहम्मद राजू, रविन्द्र पासवान, विकास कुमार शाह, सनी कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके कस्बे का सबसे मशहूर व्यक्ति कौन है? उनके नाम हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।